नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पताल एम्स में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग पहले और दूसरे फ्लोर पर लगी है। एम्स में आग लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 34 गाड़ियां मौजूद हैं। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। एम्स में भर्ती पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का हालचाल जानने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। एम्स में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा विपक्षी नेताओं की भी आवाजाही जारी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एम्स पहुंचे तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी अस्पताल पहुंचकर पूर्व वित्त मंत्री का हाल जाना। बता दें कि अरुण जेटली की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भूटान में है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग और पीएम मोदी ने संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में भूटान आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि भूटान हमारा पड़ोसी देश है और यह हमारा सौभाग्य है। दोनों देश मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटाए जाने पर कहा कि ये अनुच्छेद आतंकवादियों के लिए कवच का काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने का फैसला देश और कश्मीर के फायदे के लिए लिया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से देश परेशान है, तो इसके साथ ही अब देश पर आर्थिक मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। उन्होंने कहा, आज के हालात में व्यापारी वर्ग उदास हो चुका है। जम्मू में जहां 2G स्पीड के साथ इंटरनेट सेवा शुरू हो गई है, तो वहीं कश्मीर के श्रीनगर के राजबाग क्षेत्र में लैंडलाइन सेवा शुरू कर दी गई है। हालांकि कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाल होने में वक्त लग सकता है। इसके साथ ही किश्तवाड़ में आज पूरे दिन के लिए धारा 144 में ढील दी गई है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सीज फायर उल्लंघन किया है, जिसमें भारत का एक जवान शहीद हो गया है। पाकिस्तानी सेना ने शनिवार सुबह 6:30 बजे नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की और मोर्टार से गोले भी दागे, इसमें जवान लांस नायक संदीप थापा शहीद हो गए। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी कि UAPA में हुए हालिया संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। याचिका में UAPA कानून में हुए हालिया बदलाव को चुनौती दी गई है और ये मांग भी की गई है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ है। इस नए कानून के मुताबिक केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी श्रेणी में रख सकती है, चाहे वह व्यक्ति अकेला हो या किसी संस्था से जुड़ा हुआ। आम आदमी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री और अयोग्य करार दिए गए विधायक कपिल मिश्रा आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही आप महिला विंग की चीफ रेचा पांडे भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पहलू खान मामले में राजस्थान सरकार द्वारा जांच के लिए SIT गठन के बाद पहलू खान के परिवार वालों ने कहा कि उनको इस फैसले से उम्मीद जागी है। उन्होंने कहा, लेकिन इसके बावजूद भी वो हाईकोर्ट जाएंगे। दूसरी बार भारतीय टीम के मुख्य कोच बनाए गए रवि शास्त्री ने कहा कि मैं इसलिए कोच बना क्योंकि मुझे इस टीम पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा था कि यह टीम इंडिया एक ऐसी विरासत छोड़ सकती है जो बहुत कम टीमें छोड़ पाई हैं, एक ऐसी विरासत जिसका आने वाले दशकों में भी टीमें पीछा करेंगी। इसके अलावा टीम इंडिया का दोबारा हेड कोच बनने पर रवि शास्त्री ने कपिल देव की समिति को धन्यवाद कहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और महिला क्रिकेटर पूनम यादव को इस साल के अर्जुन पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इस साल के अर्जुन पुरस्कारों के लिए 19 एथलीटों को चुना गया है। वहीं पैरा एथलीट दीपा मलिक और रेसलर बजरंग पुनिया को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। रसेल डोबिंगो को बांग्लादेश क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को इसकी घोषणा की। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर डोमिंगो का बांग्लादेश की टीम के साथ कार्यकाल 21 अगस्त से शुरू होगा। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीकी टीम के भी कोच रह चुके हैं। खेल रत्न दिए जाने के बारे में बजरंग पूनिया ने कहा कि इस सम्मान से उनको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन इस अवार्ड से उनकी ओलंपिक की तैयारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता दें, इस बार पहलवान बजरंग पूनिया को खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।